दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको DU टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि DU टेस्ट क्या होता है और यह टेस्ट क्यों किया जाता है। DU टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है और इस टेस्ट के द्वारा खून में वीक डी एंटीजन के लेवल को मापा जाता है। डी एंटीजन एक प्रोटीन होता है जिसके कई भाग होते हैं और यह प्रोटीन हमारे रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाया जाता है। डी एंटीजन को RH फैक्टर भी कहा जाता है और इससे आपके ब्लड टाइप का भी पता चलता है। वीक डी DU के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे DU टेस्ट कहते हैं। आपका खून या तो D नेगेटिव होगा और या फिर D पॉजिटिव होगा। अगर आपका खून D नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपके रेड ब्लड सेल्स में D एंटीजन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में D एंटीजन कमज़ोर दिखाई देता है। ऐसे लोगों में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें D वेरियंट कहा जाता है। D वेरियंट एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, वीक D और पार्शियल D। वीक D का मतलब है कि डी एंटीजन के सभी हिस्से मौजूद हैं लेकिन यह रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कमजोर पाया जाता है, यानी वीक पाया जाता है। पार्शियल डी का मतलब है कि डी एंटीजन के एक या ज़्यादा हिस्से मिसिंग हैं, यानी गुम हैं। वह माताएं यानी मदर्स जो पार्शियल डी होती हैं उन्हें डी नेगेटिव माना जाता है। यह माताएं डी एंटीजन के उस हिस्से में एंटीबॉडीज बना सकती हैं जो हिस्सा मिसिंग होता है, और अगर ऐसी माँ का बच्चा डी पॉजिटिव होगा तो यह एंटीबॉडीज उस बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर सकते हैं। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को या नए जन्मे बच्चे को हिमोलिटिक डिजीज नामक बीमारी हो जाती है। ऐसी माताओं को गर्भावस्था के दौरान ही इस बीमारी से बचाव करने के लिए इलाज की ज़रूरत होती है, और जो माताएं वीक डी होती हैं उन्हें डी पॉजिटिव या RH पॉजिटिव माना जाता है और उन्हें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान इस टेस्ट को करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो डोनर्स यानी खूनदान करने वाले व्यक्ति RH नेगेटिव होते हैं उनका भी वीक डी टेस्ट किया जाता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि वह सच में डी नेगेटिव हैं। यह थी बेसिक जानकारी DU ब्लड टेस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।